हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजी श्रुति व्लॉग। तो आप सब ने देखा होगा, लास्ट व्लॉग में हम गए थे मार्केट, है ना। तो वहाँ से ये एक स्टार फ्रूट मैं टेस्ट करने के लिए लेकर के आई थी, वही टेस्ट कर रही थी। और कुछ कुछ हम लोग पौधा ले करके आए थे, जैसे मिर्ची हो गया, है ना। तो यहाँ पे ना मम्मी मिर्ची ही उगा रही है खोद खोद करके, तो यहाँ पे हम मिर्ची उगा रहे हैं। तो ये व्लॉग बाजार के बाद ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, क्योंकि बाजार के बाद बहुत मतलब लंबा हो गया था, है ना। नहीं मरेगा बाजार वाला व्लॉग, तो इसी में हम सेकंड व्लॉग कर दिए। दो ठी करेगी तो दो ठी ना। ये देखिए, इसको अच्छे से खोद लेगी मम्मी, फिर इसमें मिर्ची डालेगी। दो ठी मत करना, एक एक ठी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी को ना ये सब करने का शौक, इसीलिए करती है। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि करो करो, उनको बस शौक है तो वो कर लेती है ये सब काम। तो यहाँ पे अच्छे से खोद लिए, और जहाँ जहाँ पे ना ये काला काला टाइप से डाल रही है, मिट्टी टाइप से दिख रहा है, वो खाद वाला मिट्टी है। इसको हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं, लोग मिक्स करके जो बनाते हैं ना, यानी गोबर वगैरह से, तो वही चीज़ है ये। अभी बस इसमें मतलब खोदी और खाद वगैरह डाली है, रखी हुई है। तो फिर अभी मिर्ची को ऐसे ही डाल देगी। अभी ना क्या बोलते हैं, जो हमारा मिट्टी है ना, उसमें ना नमी ही है, क्योंकि पानी वगैरह पटाए थे ना, तो मिट्टी सूखता नहीं है जल्दी ठंडे में, तो इसमें नमी ही है। तो जो क्यारी है ना मटर वगैरह का, तो उसी के किनारे किनारे ही मिर्ची वगैरह उगा ले रही है मम्मी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर में, जो कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, तो ये मैं लेकर के आई थी ये सब, क्या बोलते हैं, बड़ा हो गया ये, और ये हम लोग आलू गुंडा बोलते हैं। और इसको ना जैसे महाराष्ट्र वगैरह में वड़ा बोलते हैं, पाव के साथ खाते हैं ना वो लोग, वही चीज़ है ये। तो वही खाई, वो भी आधा खाई, बीच में भैया आ गया था तो फिर वो आधा खा लिया। और यहाँ मेरा कुछ पार्सल आया है, तो ये डॉटन की स्किन केयर प्रोडक्ट है, तो चलो आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मेरा कुछ सामान आया है, उसको मैं अभी डॉटन की का आया है वैसे, तो वो स्किन ब्रांड है, जिसको नहीं पता है उसको बता दे, वैसे जो सर्च करेंगे उसी को मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से ये खुला है, बहुत ख़तरनाक पैकेजिंग है इसका, इतना तो आधा खुला है, आधा जब आखिरी हो गया तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ से कट करना पड़ेगा सीजर से। ओके, मैं सोच रही हूँ इसको मिनी व्लॉग में भेजना चाहिए या ये देखो इसका ऐसा कुछ पैकेजिंग, इसका बॉटल यार कितना गजब होता है ना। तो ऐसा कुछ पार्सल आया है, इसमें कुछ रैप किया गया है, और ये मॉइस्चराइज़र है और सनस्क्रीन है, और ये क्या बोलते हैं, बॉडी लोशन है। सच्ची बताऊँ तो मैंने ना ऑफ़र में मंगाया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये बाय वन गेट वन फ्री था, बट थोड़ा सा रेट कम हुआ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दो प्रोडक्ट मिला, ऐसा मुझे लगा था कि दो प्रोडक्ट मिलेगा, बट पता नहीं, शायद मेरे से ही कुछ मिस्टेक हो गया होगा, बट खैर छोड़ो। बाकी सब जगह भी यही सेम प्राइस में मिल रहा है, और ऑफिशियल वेबसाइट से लेने का यही होता है कि उसमें कोई फेक सामान ना आए, है ना। तो यहाँ पे चलो मैं दिखा लेती हूँ आप लोगों को कैसा कैसा सामान है। रेट भी नहीं है जो, कहाँ गया भाई, खोलती हूँ ना फिर दिखाऊँ आप लोगों को। और ये है डॉटन की का मॉइस्चराइज़र है गाइस, तो ये बहुत अच्छा है। मैं इसे वैसे पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मतलब मॉइस्चराइज़र को, सनस्क्रीन मैंने यूज़ किया हुआ है, बट ये है ना, मैंने बहुत सुना था, फिर मैंने इसे ऑर्डर किया। मुझे इतना मन था बहुत दिन से, बट किसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी ऑर्डर। तो अभी मैं ना इसे दो दिन हो चुका है लगा के, तो ये दो दिन बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और जो मैंने इसमें बोला था वो मैंने कट कर दिया,
और मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। तो ये मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा है, मैंने 2 दिन से लगा करके देखा है। खैर मुझे एक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ऑफ़र वगैरह का, तो वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ऐसे ही था। तो डिस्काउंट मिल गया मुझे, तो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं, मतलब थोड़ा बहुत 10-20 रुपये इस तरीके से। तो देखो इसका कंसिस्टेंसी वगैरह बहुत अच्छा है, और 2 दिन लगाया मैंने, मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। मतलब स्किन ना अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है, और ये देखो गिरा दी मैं, और क्या बोलेंगे, अच्छी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और इसका 2-3-4-5 रेंज आता है, जो कि मैं सब ट्राई करने वाली हूँ। अभी तो पहले यही मंगाया है मैंने, क्योंकि स्किन में मेरा टैन बहुत पड़ गया था, मेरा सनस्क्रीन वगैरह सब, सनस्क्रीन क्रीम नहीं, हाँ, तो वो भी मैं मंगाई नहीं, यूज़ नहीं कर रही थी, तो मेरे को ना मतलब सन टैन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये देखो इसका कंसिस्टेंसी एकदम वाटरी है, इतना वाटरी, मतलब क्या बताऊँ इसे, मतलब शुरू बार लगाओगे ना तो थोड़ा सा लग सकता है आपको, थोड़ा सा चपचपा लगे, क्योंकि इसमें ऑरेंज वगैरह का मतलब वो है, पता नहीं क्या बोलूँ, तो थोड़ा सा लगे, चिपचिपा लगेगा, फिर थोड़ा सा वो ना अपने आप ऑब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, कुछ लगाया हो जैसे नहीं लगता है, फिर ऐसे जो नॉर्मल क्रीम वगैरह लगाते हो ना स्किन में, तो वो लगता है। तो इसका मुझे सब चीज़ का प्राइस कितना पड़ा होगा, वैसे मैंने ना एक फेस वॉश भी मंगाया है इसका, तो वो मॉर्निंग में रिसीव हुआ है, वो इसी व्लॉग में दिख जाएगा आप लोगों को। तो ऐसा कुछ है मैंने इसका, अभी भी काटा है तो मैं दिखा रही हूँ, ये है सनस्क्रीन, ये देखो प्राइस इसका देख लो, 445 में पड़ा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब इतना लगाना चाहिए स्किन में, अच्छा प्रोडक्ट। तो सनस्क्रीन मैं पहली बार तो नहीं लगाई हूँ, एक बार केवल लगाई हूँ इसको मैं। तो ये है इसका सनस्क्रीन, SPF 50 के साथ है, PA++++++++++++ है ना, UVA रेज से बचाता है, प्लस UVB ब्लू लाइट है ना, ये सब चीज़ से प्रोटेक्शन करता है, अच्छा है, आप लोग जरूर लगा के देखना, ये वाला अच्छा है, मतलब यूज़ करने में कहीं से भी खरीदो, मतलब ले सकते हो, इसका भी प्राइस वही है। और ये उसका क्या बोलते हैं, ये बॉडी लोशन है, तो बॉडी लोशन मेरे से गलती से ऑर्डर हो गया था, ऐसे मुझे मंगाना नहीं था, फिर चलो आ रहा है तो फिर मैं ले ही ली है ना। और ये मैं क्या बोलते हैं, ये कितना में पड़ा था, इसका प्राइस देखती थी, ये बॉडी लोशन भी ना मुझे कुछ 400 आसपास का पड़ा था, ये तीनों प्रोडक्ट ना मुझे करीब 1000 रुपीज़ में रिसीव हुआ है, और मतलब सब मिलाकर के बोलेंगे फेस वॉश वगैरह, तो ये मुझे अंडर 1500 रिसीव हुआ है। और कुछ और जो इसका फेस वॉश को भी रिसीव करेंगे ना, तब का बोल रही हूँ 1500। गाइस अभी पापा और रिचल और गए थे, और ये प्याज का गांछी होता है सब्जी उगा, इतना सारा कहाँ उगाएगी, तो ये लेकर के आए हैं, पूरा भर के लाए हैं प्याज का और ये मिर्ची का गांछी, चलो चलते हैं। तो गाइस जो बाजार से मैंने ना ये खरीदा था, ये और एक चूड़ी खरीदा था, चूड़ी मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी मेरे यहाँ इसी का क्लिप है, चूड़ी का मैं लेने भूल गई हूँ, तो चूड़ी मैं दिखाऊंगी। और ये देखो नाइट हो गया है, तो सोच रही हूँ व्लॉग को एंड कर दूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, और जो क्या बोलते हैं नेक्स्ट जो मॉर्निंग था ना, वहाँ पे मेरे को ये रिसीव हुआ है, तो डॉट एंड की का ये फेस वॉश, तो मैं वही आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो ये देखो ये फेस वॉश है जो मैंने रिसीव किया है, ये भी मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ था आज का व्लॉग गाइस, स्किन केयर पे था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच।